नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। दोस्तों, तो अगर आप लोग ट्वेल्थ पास आउट हो चुके हैं तो आप लोगों के लिए, अगर आप लोग वेटनरी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं एमपी व्यापम से जो होता है, अगर आप लोग उससे रिलेटेड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक शानदार मौका हो सकता है, क्योंकि व्यापम ने हाल ही में अभी अपडेट किया है एमपी वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट। आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि वेटनरी डॉक्टर के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जो अपन बायो वाले दे सकते हैं इसका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले जो भी लोग होते हैं वो सारे इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप लोग मेडिकल फील्ड में इच्छुक हैं तो आप लोग के लिए एक शानदार मौका हो सकता है। इसका भी वैसा ही रहता है जैसा मेडिकल डॉक्टर रहते हैं, मेडिकल डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर, वैसे ही एनिमल डॉक्टर जो हमारे गाय इन सब के डॉक्टर होते हैं ना, वो ही उसी का एग्ज़ाम ये होता है। तो अगर आप लोगों की 12वीं कंप्लीट हो चुकी है तो आप लोग इसका फॉर्म डाल सकते हैं। इसका देख सकते हैं प्रारंभ तिथि कब से, 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे ये फॉर्म और 28 तारीख तक इसका फॉर्म फिलअप होंगे। तो आपको 28 तारीख के पहले तक इसका फॉर्म आपको डालना पड़ेगा। आवेदन पत्र की संशोधन करने की अंतिम तिथि 3/10/2022 दी हुई है, ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा इसका, 29/10 से और 30/10 तक, मतलब अगले महीने, ठीक है, अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा तो आपको सिर्फ आपके सितंबर अक्टूबर मतलब सीधे 2 महीने हैं, तो अभी आप 2 महीने में अपनी अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो EWS और जनरल के लिए जो जिसकी फ़ीस रहेगी वो 400 होगी, जो OBC SC ST पिछड़ा वर्ग इनके लिए 200 रुपये होगी, 60 रुपये अलग से लगेगा, 20 रुपये ए भी अलग से लगेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं और ये एग्ज़ाम की तिथि, एग्ज़ाम है 29-30 तारीख को कंडक्ट होगा। ये रिपोर्टिंग टाइम है कि रिपोर्टिंग टाइम कब से होगा, कितने बजे से एग्ज़ाम होगा, ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इसमें पूछा कुछ नहीं जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछी जाती है, जो बायो जो होगी वो 50 नंबर की होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री 25-25 नंबर के होंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई पेपर हार्ड नहीं आता है, इस बार का पेपर जो था बिल्कुल ईजी था। 64 फर्स्ट काउंसलिंग में 64 नंबर गए थे, तो आप लोग अगर लगभग 70 नंबर भी ले आओगे तो आप लोगों का आराम से वेटनरी डॉक्टर में हो जाएगा, आप लोगों को जबलपुर कॉलेज मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्म ये कॉलेज दिए हुए हैं कुछ, तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये कुछ कॉलेज दिए हुए हैं, जबलपुर, महू, रीवा, ये 3 कॉलेज दिए हुए हैं। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कितनी कितनी सीटें हैं, क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो अगर आप लोग फॉर्म डालने में इच्छुक हैं तो इसका ज़रूर देख लेना और पढ़ लेना, और अगर आप लोग वेटनरी करना चाहते हैं तो इसका फॉर्म ज़रूर फिलअप करें, क्योंकि वेटनरी डॉक्टर एक बहुत अच्छी डॉक्टरी की जो लाइन हो जाती है वो एक मेडिकल लाइन ही हो जाती है। इसको डॉक्टर से कम मत समझना। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे नहीं, ये तो एनिमल का डॉक्टर है, तो एनिमल का डॉक्टर है, लेकिन वो सिर्फ एनिमल का डॉक्टर है, वो भी एक डॉक्टरी है, उसको भी सब लोग डॉक्टरी बोलते हैं। तो अगर आप लोग MBBS में नहीं जा पाए किसी भी चांस, बाई चांस कुछ भी हो, तो आप लोग इसमें, इस फील्ड में ज़रूर जा सकते हैं। अगर आप लोग एग्ज़ाम कोई टफ नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम बायो आप लोग पढ़ लोगे ना, 25-25 नंबर की आती है, बॉटनी जूलॉजी 25-25 की आती है, 50 नंबर टोटल और 25-25 नंबर की फिजिक्स केमिस्ट्री, तो पूरे 100 हो जाते हैं। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे का टाइम रहता है, आराम से आप लोग कर लोगे। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था मेरे भी 79 नंबर थे, तो आप लोग आराम से कर लोगे, मुझे आप लोगों पर पूरा पूरा भरोसा है, ठीक है। आप लोग देख ही सकते हो कि ये सारे कॉलेज हैं, इतना इतना आप कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी जानकारी है इसमें, आप लोग अगर इसकी फुल जानकारी चाहते हो तो MPPV सर्च करना, गूगल पे MPPV सर्च करना, आप लोग व्यापम पे पहुंच जाओगे। व्यापम पे आप जैसे ही पहुंचोगे वहां पे आप लोगों को दिख जाएगा MPPVT, उस पर क्लिक करना, आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसका मैं कमेंट में ज़रूर डाल दूँगा, कमेंट पर भी डाल दूँगा। और अगर आप लोग इसका फॉर्म
फिलअप करने मोबाइल से आप लोग फिलअप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें कि भैया मुझे मोबाइल से फिलअप करना है, कैसे करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और जी हाँ, एक ज़रूरी बात है, अगर आप लोगों की व्यापम प्रोफाइल नहीं बनी है तो आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, 10th 12th, आय प्रमाण पत्र और मूल निवास, और अपना फोटो साइन एंड वो क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट, ये आप लोगों को ज़रूरी है। तो आप लोग इसको रख लें और कंप्यूटर पर जाके पहले अपनी प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल बनवाने के बाद आप लोग प्रोफाइल बस बनवा लेना, उसके बाद आप लोग मोबाइल से भी भर सकते हैं। अगर आप लोगों को मोबाइल से नहीं बनना है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग कंप्यूटर से भरवा सकते हो। अगर आप लोग थोड़ा भी नॉलेज रखते हो इस कंप्यूटर का तो आप लोग अपने मोबाइल से ज़रूर भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। बस प्रोफाइल बनवा लेना, क्योंकि प्रोफाइल में आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों का ये भैया सिर्फ आप लोगों के लिए जानकारी के लिए ही वीडियो डालता है, उससे अलग मुझे कुछ नहीं है। मैं भी एक अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी वेटनरी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आगे जितनी सारे एग्ज़ाम होंगे उसकी सारी जानकारी मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करता, सीधा आप लोगों को वीडियो पे लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद स्टूडेंट।